हरिद्वार में भारत सेवा श्रम संघ की टीम गंगा सागर मेले और महाकुंभ में लोगों को डूबने से बचाती है। क्या है उनका उद्देश्य और कैसे ये संघ काम करता है, ये रिपोर्ट देखिए। कुंभ जैसी धार्मिक गतिविधियों में और जो धार्मिक आयोजन होते हैं जो हमारी हिंदू संस्कृति के ध्वजवाहक माने जाते हैं, तो उनमें सभी की अपनी अपनी कार्यशैली होती है, अपना अपना उत्तरदायित्व होता है। तो हमारे साथ बंगाल से आए हुए कुछ लोग हैं जो गंगा सागर जैसे विशाल मेले में अपना योगदान देते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ वो किस तरह से उनकी मदद करते हैं, किस तरह से उनकी सहायता करते हैं और उनका क्या मुख्य कार्य, क्या मुख्य उद्देश्य होता है। ये भारत सेवा श्रम संघ के लोग हैं जो कलकत्ता से चलकर हरिद्वार आए हैं और कुंभ में अपना योगदान दे रहे हैं। स्वामी जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम ब्रह्मचारी गौतम महाराज, मैं भारत सेवा संघ का एक सन्यासी हूँ। हमारा हेडक्वार्टर कोलकाता में, जैसे अलग अलग जगह में रहते हो, मैं भोपाल में परमानेंट रहता हूँ। आपका मुख्य कार्य क्या होता है आपके संघ का? देखिए, संघ का मुख्य कार्य में सेवा है। भारत सेवा संघ का मेन काम है सेवा। जैसा कुंभ मेला में है, ऐसा गंगा सागर मेला में है, बाहर में कोई बाढ़ आएगा, कोई प्राकृतिक आपदा आएगा, फ्लड में सबसे पहले हम लोग खाना पीना उसका जो सेवा कर दिया, हम पूछ जाते हैं। आपका नाम क्या है? असीम हल्दर। अच्छा हल्दर जी, आप इसलिए, आपका भी यही मुख्य उद्देश्य है लोगों को बचाना? हाँ हाँ, लोगों को बचाना है, गंगा माता को क्लीन करना है, गंगा माता को मैले ना करना है, ये हमारा काम है। तो देखिए, आपने एक ये टोली, ये बहुत ही कलरफुल टोली जो पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं मेरे साथ, उन्होंने आपने देखी और इनको सुना, इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ आकर स्नान करना नहीं है। स्नान करते वक्त किसी के साथ मुसीबत आ जाए, कोई डूब जाए, उनको बचाना है, उनके जीवन की सुरक्षा करना है। और ये सब लोग कोलकाता से आए हैं और ये भारत सेवा श्रम संघ है और जो 1938 से भी पहले से काम कर रहा है। इन्होंने बताया कि संघ की क्या क्या गतिविधि होती है, गंगा सागर मेले के बारे में भी इन्होंने बताया, वहाँ इनका उत्तरदायित्व किस तरह से निर्वहन किया जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील पांडे के साथ